हमारे साथियों ने जो बात रखी है ऐसी राइस अपने अपने नवीन मूर्ति जी ने धीरे धीरे आवाज चढ़ाई सबने जो बात रखी है जो खुद उत्तर प्रदेश के भुक्तभोगी पर फिर भी आंदोलनकारी ऐसे युवा बुजुर्ग साथी यहाँ आए हैं उनके बात बहुत ही गहराई से आपने सुनी है इसलिए शुक्रगुजार है पर यहाँ हम सब लोग जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय के हिस्सा हैं संगठनों के साथी हैं जिस समन्वय ने 1991-92 से ही ये भूमिका ली इस देश में तीन स्तंभों पर आधारित मूल्यों की और विचारों की चौखट लेकर हमको चलना है We have to adopt a three-pillar based ideology and then proceed. वो समय था अयोध्या के रथ यात्रा का जो हम सब लोगों ने आगे आकर रोकी नहीं वो ही समय था जबकि ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी आगे बढ़ रही थी और कॉर्पोरेटाइजेशन जिसका नतीजा था जो कि राजनीति पर राज्य सत्ता पर कंपनी सत्ता कंपनी सरकार के रूप में हावी होता जा रहा था और उसके तहत इस देश के जनता के तमाम अधिकार ही नहीं संसाधन रिसोर्सेज प्रॉपर्टी छीन कर मुट्ठी भर बिलियनेयर्स के हाथ में लेने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी और हम लोग उस दो चैलेंजेस को आह्वानों को स्वीकारते हुए एक अल्टरनेटिव पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटी ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स ये लेकर चलना चाह रहे थे ये ऐसा नेशनल अलायंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट्स आज जो देख रहा है देश में क्या हो रहा है वो बात एक प्रकार से अद्भुत है लेकिन इस देश ने जो दंगे देखे हैं वो दंगों के पार मॉब लिंचिंग देखा है और आज हम लोग ये CAA, NPR और NRC की साजिश एक प्रकार की कॉन्स्पिरेसी देख रहे हैं तो हम लोगों को समझना चाहिए कि हम किस दिशा में हम नहीं बढ़ रहे हैं पर बढ़ाए जा रहे हैं वो जो 31% वोट लेकर सत्ता में बैठ सकते हैं ऐसे हमारी इलेक्टोरल पॉलिटिकल सिस्टम है वो बाकी 69% पॉपुलेशन को केवल नकारती नहीं है तो वो हम सब लोगों की एक धरोहर हमारा एक इतिहास और हमारा भविष्य भी घटने में डालने के लिए आज किसी भी कीमत पर अपनी सत्ता अपने वोट बैंक टिकाने की ख्वाहिश रखकर ये सब करवा रहे और इसलिए ये एक प्रकार से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का ही गेम है और कुछ नहीं अब देश में नहीं दुनिया में ट्रंप हो कि वो जय 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 क्या नाम है ब्राजीलियन प्रेसिडेंट हो जो लल्ला के बाद आ गए लेकिन ये तमाम राइट विंग पॉलिटिशियंस आज जो मैसेज दे रहे हैं दुनिया को वो एक बाजू खतरा साबित हो रहा है और दूसरी बाजू जो कॉर्पोरेट कैपिटलिस्ट भी एक अलग प्रकार के कैपिटलिस्ट के पूंजी खड़ी हो रही है वो दूसरे प्रकार का खतरा है और एक खतरा सामने रखकर वो हमको झुला रहे हैं वो चाहते हैं कि देश उसी में लगा रहे और दूसरी बाजू न केवल 50 पब्लिक सेक्टर प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशन बेच जाए पर रेलवे भी पूरी प्राइवेटाइज हो जाए और PUCL एक पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन जो 10 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी है वो 56,000 करोड़ में रिलायंस और एक सऊदी अरेबियन कंपनी के कॉन्ग्लोमरेशन कंसोर्टियम को दी जाए तो ये जो एक इकोनॉमिक पॉलिटिक्स के साथ जुड़कर एक सोशल डिवीजन एंड डिस्क्रिमिनेशन का एक गेम चल रहा है उसको हम लोग एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए
ये हमारा ऐलान है। कल से हम लोग जो चर्चा में जो एनालिसिस सुन चुके हैं और लगे हुए, वो यही बात सामने आता है, ये मैं अंडरलाइन अधोरेखित करना चाहती हूँ। आज जो हो रहा है वो एक कानून को लेकर हो रहा है। अब कानून क्या है? एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है और वो जनता के सामने पेश भी नहीं किया जाता है। वो कहीं बनता है, बनवाया जाता है हमारी सस्ती में से, कोई हमारे गांव, हमारे मोहल्ले, हमारी ग्राम सभा, हमारी मोहल्ला सभा संविधान के आर्टिकल 243 में जिसका स्थान, जिसका रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेवलपमेंट प्लानिंग का उनका दायरा स्पष्ट किया हुआ है, उसको कोई सोचता नहीं, सुनता नहीं, पूछता नहीं। फिर भी पॉलिसीज जो बन रही देश में उसको एक ट्रांसपेरेंसी के नाम पर, कम से कम वेबसाइट पर लगाने के बाद कुछ सालों से शुरू हुई है, और वहाँ आपके कमेंट्स भेज दो तो सोचे समझे जाएंगे, ऐसा कहा जाता है। हमने एक एक कानून जो यूपीए सरकार के साथ डायलॉग करते हुए जनसंघर्षों की इनिशिएटिव अगुवाई में लाया गया, उसकी पूरी प्रोसेस देखी है और उसमें उस कानून के बारे में कुछ भी कहने की, सोचने की, अभिव्यक्ति करने की, अपना विरोध भी दर्शाने की एक अवकाश, एक स्पेस हमने सबने उपयोग में लाई है। आज बहुत सारे देश के कानून जो संविधानिक दायरे में आते गए हैं, वो चाहे आदिवासियों का पेशा कानून हो, वो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट हो, वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स एक्ट 2008 हो, वो 2013 का नया लैंड एक्विजिशन एक्ट हो, जो 1894 का एक्ट खत्म करके स्वतंत्र आजाद भारत में लाया गया, हॉकर्स एक्ट हो 2009 का, या राइट टू इंफॉर्मेशन एंड एनआरईजीए रोजगार गारंटी का कानून हो, डोमेस्टिक वर्कर्स एक्ट हो, कितने सारे कानून जो एक जनता और सत्ता के बीच के डायलॉग और संवाद से लाए गए, वो सब कानून, एनवायरमेंटल लॉज इंक्लूडेड, वो सब बदले जा रहे हैं। 144 लेबर लेजिस्लेशंस खत्म होने जा रहे हैं, कुछ खत्म हो चुके हैं, 100 कानून है लेबर लेजिस्लेशन जो स्टेट लेवल पे है, और 44 कानून है जो सेंट्रल लेजिस्लेशन से। हम सब लोग, हम ट्रेड यूनियन के भी मैं पदाधिकारी हूँ, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में मेल वर्कर्स की केसेस कर रही हूँ, हम सब लोग उन लेबर लॉज के आधार पर कुछ अधिकार मांगते हैं महिला श्रमिकों के, ठेका मजदूर कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स के। आज वो सब खत्म करके 4 कोड्स लाए जा रहे हैं, कोड्स आर इवन लोअर इन द हायरार्की, लोअर देन इवन द पॉलिसीज, एंड पॉलिसीज कैन नॉट इवन बी जस्टिसिएबल ऑलवेज। तो लॉज रियली मैटर विच आर गोइंग टू बी यू नो एब्रोगेटेड। एक बात ये है कि इस पूरे परिप्रेक्ष्य को हमें समझना चाहिए कि अब लॉ मेकिंग प्रोसेस को भी कैसे अनडेमोक्रेटिक, अजनतांत्रिक किया जा रहा है और उससे सत्ता और जनता के बीच का पूरा रिश्ता बदल रहा है, न केवल अधिकारों पर आंच आ रही है। ये बात और आगे बढ़कर अब एक ऐसा कानून थोपना जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है, और उस कानून को लेकर लोगों के बीच में जैसा सभी ने कहा एक डर पैदा करना, और हर एक इंसान को सिटीजनशिप के नाम पर कटघरे में खड़े करना और उनको हरास करना, उनको विभाजन के तहत बदनाम करना, उनको आतंकवादी, अल्पसंख्यक या जो भी है साबित करना, डाउटफुल सिटीजन्स कैटेगरी में भेजना, ये सब सत्ताधीशों ने अपने हाथ में एक हथियार जैसे लेकर हिंसा को थोपने का काम शुरू किया है। ये अलग अलग प्रकार की हिंसा जिसका विरोध करना चाहिए आज इस देश का एक अहम मुद्दा है, ऐसा हम सब लोग जानते हैं।
हिंसा जाति के नाम पर, हिंसा जेंडर लिंग भेद के नाम पर, हिंसा धर्म के नाम पर, हिंसा विकास के नाम पर। आज नर्मदा घाट की 34 साल के बाद बहुत कुछ पाया भी हमने, हजारों को जमीन, हजारों को घर प्लॉट, लेकिन फिर भी वो हजार साल पुराने, हजार हजार तीन तीन हजार घरों के गांव, मंदिर मस्जिद पेड़ पौधे चरणों स्मशान के साथ खत्म होना, नदी ध्वस्त होना आज हमें भी देखा नहीं जा सकता। तो ये जो हिंसा है अलग अलग प्रकार की, उसका विरोध करना इस देश के हर नागरिक इंसान का कर्तव्य है या नहीं, इस सवाल का जवाब चाहिए था और वो आज दिया जा रहा है। इसलिए एनपीआर और एनआरसी के विरोध के आंदोलन के द्वारा, इसके लिए हम सब लोग इन आंदोलनकारियों को, इसमें हम भी कम अधिक शामिल है, हम सलाम करते हैं। ये आज और विशेष बात है, जैसा कि राय साहब ने कहा कि ये आंदोलन कोई बना बनाया आंदोलन नहीं, ये अपसर्ज भी नहीं है केवल जो कि फेसबुक पर आप इनविटेशन भेजो और 1 लाख लोग गेटवे ऑफ इंडिया पर इकट्ठे हो जाए, ऐसा भी नहीं है। इसको नजदीक से देखते हुए, वो चाहे दिल्ली के शाहीन बाग में हो, चाहे इंदौर के माणिक बाग में हो, चाहे मुंबरा में हो, चाहे लखनऊ में हो, चाहे हैदराबाद के हॉल्स एंड हॉल्स में हो, हम सब लोग देख रहे हैं कि एक उर्मी और ऊर्जा के साथ साथ एक व्यापक बनती जा रही सोच इस आंदोलन की बुनियाद है। जो आंदोलन में है महिलाएं, उनको भी आजादी चाहिए थी और वो भी आजादी की तरफ बढ़ रही। आंदोलन आंदोलित करता है केवल सरकार उनको नहीं, समाज को भी और आंदोलनकारियों को भी, और वो बात यहां दिखाई दे रही, मुस्लिम समाज की महिलाओं को भी, जो आज सुंदर एक आधी छोटी पर्स और मोबाइल हाथ में लेकर चलती हुई तो हम देखते रहे, कहीं ना कहीं दुनिया के बाजार ही नहीं, रोजगार में ही नहीं, दुनिया के दर्शन में जाने के बाद वो भी बदल गई है, शिक्षा भी कुछ पहुंच गई है, पर हमारे मेंटर रहे सच्चर साहब, जैसे सच्चर साहब की रिपोर्ट आज भी बताती है कि कितने वंचित हैं। उस समाज की महिलाओं को आगे आना, आगे आने देना और उनको एक प्रकार का व्यासपीठ मिलना एक बहुत बड़ी बात है। खुद वो कौम भी, वो समुदाय भी आज अंदर से हिल मिल गया है, झकझोर आ गया है और आंदोलित हुआ है। और इसीलिए शाहीन बाग की वो महिलाओं को मिलने के बाद वो दादियाँ, वो माताएँ, वो भाभियाँ, वो सब किस प्रकार से आजादी का नारा देती है, वो न सेडिशन का सोचती है, न वो अपराध को जानती है और वो वहां डटी हुई है। ये केवल ट्रैफिक जाम नहीं है, ये सरकार जो इस रास्ते पर चलना चाहती है उस सरकार को जाम करने वाला आंदोलन साबित हो रहा है। और इसीलिए सरकार कर रही है, जो डरते हैं उनसे, जो उनसे नहीं डरते। हमारा तो नारा है नर्मदा को लेकर का, जो आज पूरे देश में फैला है कि सरकार हमसे डरती है, पुलिस को आगे करती है। उनकी हिम्मत नहीं है कि वो जेएनयू में आकर बात करे, उनकी हिम्मत नहीं है कि जामिया मिलिया में आकर बात करे, उनकी हिम्मत नहीं है कि शाहीन बाग के नुमाइंदों को वो निमंत्रित करे, उनकी इतनी भी दानत और हिम्मत नहीं है कि राजनीतिक दल और अलग अलग राज्यों की सरकारें जो व्यवस्थित चुनावी प्रक्रिया से जीतकर आई है उनके साथ भी वो संवाद करे, उनकी भी राय मशवरा करे। वो एक तरफा चल रहे हैं तो सामने देश की ताकत खड़ी नहीं होगी तो क्या रहेगा संविधान का। बाबा साहब ने कहा है कि संविधान अगर अमल में नहीं लाया जाता है तो संविधान एक गाड़ने का डॉक्यूमेंट बनकर रहेगा और कुछ नहीं। और संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 51A में हर सिटीजन का जो कमिटमेंट होना चाहिए, जो रोल और ड्यूटी होनी चाहिए, उस रोल और ड्यूटी से हम लोग ड्यूटी बाउंड है। मैं जानबूझकर अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ, मुझे हिंदी अच्छी लगती है। वो ड्यूटी, वो नागरिक का कर्तव्य यही है कि वो संविधान का पालन करे और करवाए। तो जो
को भेजा जाए, कई सारे तरीके हैं। आज रास्ते पर उतर आने का सबसे हिम्मत का तरीका अपनाने वालों को तो हम सलाम करते हैं, पर 2037 200-200 एक एक जगह के कलाकार और साहित्यकार ये सब खड़े हैं। मैं केरल में थी तो जगह जगह मंच लगे हुए थे, जगह जगह कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट का एक अधिक आना और उसमें इंटेलेक्चुअल्स एंड वर्किंग क्लास ऑर्गेनाइजेशंस का एक अधिक आना, ये बुद्धिजीवी और श्रमजीवियों का एक अधिक आना भी इस आंदोलन की एक विशेषता बनती जा रही है। दूसरी बात है कि जो हिंसा को लोग अपना रहे हैं वो हिंसा किन पर अटैक कर रही है, वो केवल प्रॉपर्टी पर अटैक नहीं है पर प्रॉपर्टी पर भी अटैक है। ये गुजरात का मॉडल क्या है, मुजफ्फरनगर में एक मिनट बाकी है, मुजफ्फरनगर में हमने देखा कि एक एक घर में जाकर शादी का सामान तोड़ दिया, मेडिकल स्टोर चलाने वाले को जेल में डाला और जो भी उनके सामने दिखाई दिया थोड़ा सा सुस्थापित मुस्लिम उसको वो CAA के तहत सेक्शन 2 के प्रोविजो के साथ जय हिंदू क्रिश्चियन पारसी बौद्ध के बाद मुस्लिम शब्द भूल कर उन्होंने बाहर करना चाहे है, उसको मुजफ्फरनगर के अपने प्रॉपर्टी से दुकानों से घर से वो पहले हटाना चाह रहे हैं। इसीलिए वो डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं, वो शुद्ध हिंसा है। रुकैया के घर में हम गए, जो MSc हुई लड़की है जिसकी शादी हो रही थी और जिसको न केवल उसके दादा के सामने लोहे की सली से यहाँ मारा गया, उसका शादी का एक एक वॉश मशीन एक एक टीवी सब कुछ तोड़ कर चक्का चूर करके छोड़ा गया। हम मुजफ्फरनगर में ऐसे कई सारे देखे, जो फैजल भाई ने कहा कि 7 दिन से बिजनेसमैन और एडवोकेट्स भी बाहर नहीं आए थे। जब संदीप पांडे जी के साथ हम सब लोग वहाँ पहुँचे, हमारे साथ अधिवक्ता भी थे, फैजल भाई भी थे, वो लोगों ने हिम्मत दिखाई रस्ते पर आई, लेकिन एक मस्जिद से बाहर आया हुआ इमाम हमको क्या कहता है। इमाम साहब ने कहा अपना फ्रैक्चर हाथ हाथ में लेकर और अपने पैरों पर लाल धब्बे दिखाते हुए कि मैं कुछ ज़्यादा कह नहीं सकता, मुझे यहाँ से नमाज पढ़ने के बाद सीधा उठाया गया, मैं किसी आंदोलन में नहीं था और छोड़ते समय मुझे कहा गया है कि अगर मैं शिकायत दर्ज करूँगा तो मेरी मस्जिद ही नहीं मेरी प्रॉपर्टी भी नहीं रहेगी। सादा हॉस्टल के नाबालिग बच्चे आज भी जेल में हैं और हॉस्टल के प्रमुख अंसारी भाई शायद उनका नाम, उन्होंने कहा कि मैं आपसे नहीं मिल सकता हूँ, मैसेज भेज दिया जब तक मेरे सभी बच्चे बाहर नहीं आते। कौन कौन शिकायत करेगा, कौन FIR दर्ज करेगा, सावन आग लगाए उसे कौन बुझाए, ऐसी स्थिति हो गई है। लेकिन हमने देखा जो फैजल भाई ने कहा उसके आगे एक ही बात कहती हूँ कि FIR जो उनकी तरफ से उल्टे दर्ज किए हैं उसमें तो 21,000 अज्ञात है, फरारी है, अननोन पर्संस है, तो और सैकड़ों जेल में है, उसमें एक फॉर्मल पुलिस ऑफिसर भी जेल में है, मैजिस्ट्रेट नहीं ले चाहता था केस, लेकिन उनको जेल के पास लाकर ऑर्डर इशू करवाई गई और वो दादापुरी जी जो दलितों के साथ बहुजनों के साथ आज भी रिटायरमेंट के बाद लड़ने वाले पुलिस ऑफिसर है उनको जेल में रखा। रिहाई मंच की तो पूरी हकीकत ऐसी है कि उनको तो आज भी वो अपने दूरबीन से देख रहे हैं, टारगेट पर गए हैं। साथियों आज भी मेरठ में जिन लोगों को मारा गया जिनकी हकीकत बहुत ही दुखदायक है, वो नूर मोहम्मद को मारा गया, उसके शन्नू नाम की पत्नी छोटी सी छोटे से बच्चे के साथ हमको कही कि किस प्रकार से शवागार से शव निकालने को उनको कहा गया कि आप जाओ ढूंढ लो डेड बॉडी, हम नहीं दे सकते। पूरी रात और दूसरे दिन घंटों तक वो ही दूर जाकर अपने पति की बॉडी के लिए तरसती रही। और तो और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स एक अली जैनी नाम के युवा एडवोकेट जो जंग जंग छेड़ रहा है मेरठ के एक एक हत्या को लेकर उसको आज तक नहीं दे रहे हैं, कुछ थोड़े से मिले हैं शायद। ये पूरी हकीकत बताती है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मतलब उसका वायलेशन कौन क्रिएट कर।
जस्टिस ए पी शाह, जस्टिस सुदर्शन, जस्टिस गोपाल गौड़ा ये सब बैठे थे और उनका भी अभी अपना एक जजमेंट आया है। तो इस पीपल्स कोर्ट में हम जो चाहते हैं वो आपका जजमेंट, जो एक प्रकार से लेकर ही शायद आप यहाँ पधारे हैं, पर हम कन्वर्टेड और कन्विंस्ड मासेस तक ही डायलॉग करते रहेंगे तो नहीं चलने वाला। हमको एक एक बस्ती में जाना चाहिए, हमको गांव गांव में पहुंचना चाहिए, हमको लेटर्स लिखने चाहिए, न केवल अपने रिश्तेदारों को जो मान नहीं रहे कि क्या हो रहा है, ये इमरजेंसी सिचुएशन है कि उसके पार है। ये अभी अभी पीटीआई का एक इंटरव्यू में मुझे पूछा जा रहा था, बताने और बोलने के पार है। इमरजेंसी में हम भी युवा साथी अंडरग्राउंड थे, कॉलेज के अंदर के रुया कॉलेज के हम युवा भी उसमें एक प्रकार से शामिल थे। लेकिन आज जैसा जामिया मिलिया में या जेएनयू में हल्ला हो रहा है, कौन युवा है वो और अधिक व्यापक विचारधारा के युवा है, जहाँ कुछ महीनों के बाद हमको बुलाया जाता था रात को एक एक बजे तक हमारे साथ बहस करने वाले जेएनयू के स्टूडेंट्स, जो केवल फर्स्ट क्लास करियर के नहीं है पर देश के किसान, मजदूर, आदिवासी, दलित सभी के आंदोलनों के साथ जुड़े हैं। न केवल शिक्षा और फी पे बढ़ोतरी का मुद्दा उनके सामने है और इसीलिए उनका डर है। सरकार के एक एबीवीटी नाम का युवा संगठन हावी होना चाह रहा है चुनाव में हारने के बाद, तो ये हिंदू रक्षा दल के चौधरी ने जो अपने कंधे पर ली है जिम्मेदारी, सीमी ने भी मुजाहिदीन ने ली, तो तत्काल कुछ एक्शन होती है, इनके सामने कोई एक्शन नहीं। तो पुलिस को ही एक प्रकार की सेना बनाया गया है और पुलिसों के साथ कौन कौन लोग आए इसको आइडेंटिफाई करने के बाद भी कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही है। इसीलिए आज सत्ताधीशों से तो कोई भी अपेक्षा नहीं रखते हुए, आज राजनीतिक नेताओं का नेतृत्व न स्वीकारते हुए, रिलीजियस फंडामेंटल्स का भी नेतृत्व न स्वीकारते हुए ये जो आंदोलन उभर आया है उसका हमको केवल सलाम नहीं करना चाहिए, उसका साथ और सहयोग हर प्रकार से देना चाहिए। चाहे आप चंदा दे दो, चाहे आप एक लेटर दे दो, चाहे आप एक अंगूठा लगा दो, पर वो जरूरी है। दूसरी आखिरी बात कि अभी अभी कल सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ है उस पर टिप्पणी जरूरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वो एक पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है। अन्य पिलर्स के जैसे इसमें भी कुछ उधरी एक वाइट एंट लग रही है। हम सब लोग जो खड़े होते हैं कोर्ट में ट्रीट करते हैं, वो बदलता हुआ पूरा नजरिया न्यायपालिका का देख रहे हैं, जैसे ब्यूरोक्रेसी का, जैसे लेजिस्लेचर का। पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको कल पूरा सुना भी नहीं, इतनी आवाज उठते हुए। हम ये नहीं कहते कि सुप्रीम कोर्ट ने बाहर के रास्ते की आवाज सुनकर फैसला लेना चाहिए, पर जब ये कसाब के बारे में हुआ, ये याकूब के बारे में हुआ, तो रात भर भी बैठकर अर्जेंसी समझ कर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देती है। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना जरूरी था। आयोग मिहिर देसाई जी आए हैं, मैं क्या बोलूं कोर्ट की प्रक्रिया पर, ही इज द बेस्ट कमेंटर, पर मैं ये इतना ही कहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो टाइम पास का एक मौका दिया है वो कुछ लोग इस्तेमाल करेंगे इस आंदोलन को दबाने के लिए, इस आंदोलन को रिप्रेस करने के लिए और वीकन करने के लिए। हम लोगों को उसको ऐसा नहीं करने देना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में ये मुद्दा जाए या नहीं जाए, जबकि 60-70 पिटीशन दाखिल हुए हैं, पर SC ST की उन्होंने दखल ली है, कुछ पिटीशन की उन्होंने अलग दखल ली है, ये भी एक डेंजरस साइन लगती है। हो सकता है कि उन पिटीशन में वो कुछ ऐसा फैसला दे दे कि जो बूमरैंग हो जाएगा। तो कोर्ट के बार एसोसिएशन और वकीलों से तो अपेक्षा है, पर वी आर ऑल एडवोकेट्स, एडवोकेट्स ऑफ द वैल्यू फ्रेमवर्क एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एडवोकेट्स ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, एडवोकेट्स ऑफ द इक्विटी एंड जस्टिस व्हिच आर द रियल गोल्स एंड द विजन डेवलप्ड अराउंड दैट वैल्यू फ्रेमवर्क। हम लोगों को इसीलिए आज ये समझ कर कि केवल मुस्लिमों की बात नहीं, आसाम का एक्सपेरिमेंट बता रहा है 1600 करोड़ वहाँ खर्च हुए तो 1,00,000 करोड़ खर्च हो सकते हैं पूरे देश भर के। केवल कानून अनजस्टिफाइबल, अनजस्ट और जरूरत नहीं ऐसा कानून थोपने में, और रजिस्टर्स उसी से निकल आने वाले हैं, NPR से NR से निकलने वाला है। मैं सब सेक्शंस बताकर आपको कह सकती हूँ पर वो अभी समय
सब लोगों को इसमें अपना योगदान दिए बिना अगर हम चुप बैठेंगे तो वो जो एक प्रकार की हिस्ट्री मुसलमानों के शहादत की यूसुफ मेहरानी ने तो दिया था भाई एक नारा क्विट इंडिया का, अरुणा असफ अली शहीद थी, ओबेदुल्ला मंगल पांडे के साथ लड़े थे, शिवाजी महाराज के दरबार में और सेना में दोनों धर्मों के सेनापति थे, क्या परंपरा नहीं है। राजाओं के युद्ध की बात अलग है पर समाज के अंदर जो एकता बनी रही उसको अगर करते हैं और युद्ध करवाते हैं तो एक वो अत्याधुनिक युद्ध है जिससे कि पूरा समाज उसकी मानवीयता खत्म हो जाएगी। इसलिए हम सब का योगदान जरूरी है, वही एक प्रकार का ऐलान है कि हम नफरत को खत्म करने के लिए जो भी कर सकते हैं वो करें और इस हिंसा को रोकने के लिए जो भी कर सकते हैं वो करें और ये जो साजिश के हथियार हैं उनको न चलने देने के लिए अपना नाम रजिस्टर में नहीं दर्ज करेंगे। ये कहकर आज हम लोगों ने निर्णय लिया है कि 23 मार्च के रोज से, क्योंकि 1 अप्रैल से अप्रैल फूल नहीं है, 1 अप्रैल से वो इस कानून का नाम पर रजिस्टर बनाना चालू करने वाले हैं। बहुत सारे राजनीतिक दल, ममता बनर्जी हो या जगन रेड्डी हो या कमलनाथ हो या शरद पवार हो, जो स्पष्ट पोजीशन लिए हैं उनको भी आगे बढ़ना चाहिए, जितने बड़े हैं उससे आगे रेजोल्यूशन पास करवाना चाहिए, तो उनको भी अपने पत्र जाने चाहिए। Write and awaken all of them to in order to make them contribute, participate and join us in the movement. तो 23 मार्च से हम लोग एक प्रकार का सत्याग्रही रुख अपनाने वाले हैं जिसका नतीजा या तो जेल भरो होगा या कानून रोको होगा। ये आपको ऐलान और आश्वासित करते हुए लंबा भाषण दिया, इसलिए माफी चाहती हूँ।